गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने काव्य खंड में रिवीजन सीरीज की चर्चा की थी, बच्चे काम पर जा रहे हैं। आज हम गद्य खंड में रिवीजन सीरीज शुरू करेंगे। दो बैलों की कथा और गद्य खंड में हमने तीन चैप्टर पढ़े हैं, जिनमें 20 से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हाफ ईयरली एग्जाम में, एनुअल एग्जाम में, तो उनका हम क्रमशः अभ्यास करेंगे। तो यहाँ पहले चैप्टर में दो बैलों की कथा में हम देखेंगे कि हम किसी मनुष्य को गधा क्यों कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, गधे की कौन सी विशेषताएं अन्य पशुओं से भिन्न है। गधे और ऋषियों मुनियों में कौन सी समानताएं होती हैं। हीरा और मोती किसके बैल थे। बैल को गधे का छोटा भाई क्यों कहा गया है। बछिया के ताऊ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। बैल देवपुत्रों में सर्वश्रेष्ठ क्यों नहीं कहा जाता। और पाठ तथा लेखक का नाम लिखिए। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। हम किसी मनुष्य को गधा क्यों कहते हैं। तो इसमें लिखेंगे कि जब हम किसी को पहले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं या किसी को मूर्ख समझते हैं तो हम उसे गधा कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2, गधे की कौन सी विशेषताएं अन्य पशुओं से भिन्न हैं। तो इसमें लिखेंगे कि गधे में अत्यधिक सहनशीलता होती है, उसमें सरलता और सहजता का गुण होता है, वह सुख दुख में एक समान रहता है और वह कोई हाव भाव प्रकट नहीं करता। फिर क्वेश्चन नंबर 3, गधे और ऋषियों मुनियों में कौन सी समानताएं होती हैं। तो इसमें लिखेंगे कि गधे और ऋषियों मुनियों में अनेक समानताएं होती हैं, जैसे दोनों सुख दुख में एक समान रहते हैं, सरल और सीधे स्वभाव के होते हैं, सहनशील और क्रोध रहित होते हैं और हर स्थिति में संतुष्ट रहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4, हीरा और मोती किसके बैल थे। तो इसमें लिखेंगे कि हीरा और मोती झूरी काछी के बैल थे, उनके स्वामी का नाम झूरी काछी था। फिर क्वेश्चन नंबर 5, बैल को गधे का छोटा भाई क्यों कहा गया है। तो इसमें लिखेंगे कि बैल को गधे का छोटा भाई इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस मूर्खता, सरलता और सहजता के कारण गधे को गधा कहा जाता है, बैल में ये गुण गधे की तुलना में थोड़ा कम होते हैं, इसलिए वह गधे का छोटा भाई कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे, बछिया के ताऊ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो इसमें लिखेंगे कि बछिया गाय के छोटे बछड़े को कहा जाता है, बैल उसकी तुलना में बड़ा होता है, इसलिए बैल के लिए बछिया के ताऊ शब्द का प्रयोग किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, बैल बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ क्यों नहीं कहा जाता। तो इसमें लिखेंगे कि बैल अपनी सहनशीलता को छोड़कर कभी कभी सींग भी चला देता है, कभी कभी क्रोध प्रकट करता है, आक्रोशित हो जाता है, इसलिए वह बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, पूछ लिया जाता है पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे पाठ का नाम दो बैलों की कथा और लेखक मुंशी प्रेमचंद। इस प्रकार यह वीडियो केवल सुनना है,
इसके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इनका बार बार अभ्यास करना है, कहीं रफ कॉपी वगैरह में ये क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, इन्हें फेयर कॉपी में नहीं लिखना है, और इसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे।